ऑप्टिमाइज कंटेंट में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है हमारे कीवर्ड स्टफिंग। जब वो एक SEO कंटेंट राइटर को हायर कर रहा है तो जो कंटेंट उसे मिले वो 100% ऑथेंटिक हो, हमने जो उसको जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने कंटेंट के बारे में बताना है वो वर्बली होगा। कंटेंट राइटर को राइटिंग को ई कॉमर्स के साथ रिलेट करें तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो आ जाती है वो आती है एफिलिएट कंटेंट। मेरी इस वक्त मिनिमम अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 है और मैक्सिमम इट डिपेंड्स कि आपको अगर डायरेक्ट क्लाइंट मिलता है तो वो 1 लाख से ऊपर भी जाता है। ज़रूरी नहीं है कि कीवर्ड अगर कैट है तो आपने उसको 600 वर्ड में 3-4 टाइम यूज़ करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विस्डम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कासिम अली शाह फाउंडेशन और एनेबलर्स मिलके स्किल्स को प्रमोट कर रहे हैं और हमेशा यही बात करते हैं कि स्टूडेंट्स आने वाले वक्त के साथ साथ अपने स्किल्स को डेवलप करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो पहले नहीं थी लेकिन अब वो आ चुकी हैं, मार्केट में उनकी बहुत वैल्यू है, जैसे आर्टिकल राइटिंग है, ब्लॉगिंग है और जदीद जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जदीद जो पैराडाइम्स हैं जिनमें लोग अपने कंटेंट को देते हैं, प्रमोट करते हैं। SEO कंटेंट राइटर, ये टर्मिनोलॉजी अगर आज से कुछ साल पीछे हम चले जाएं तो हमें नहीं मिलती थी लेकिन आज इसकी बहुत वैल्यू है और इसके बगैर कोई भी मार्केटिंग नहीं हो सकती, कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकती। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक एनेबलर्स की सक्सेस स्टोरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नायाब साहिबा, आप कैसी हैं? ठीक हैं। वालेकुम सलाम जी। मैम, मुझे ये बताइए कि आप एक SEO कंटेंट राइटर हैं, बेसिकली आपका सारा काम क्या होता है, आप किस तरह से काम करती हैं, आप अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करती हैं? जी, बीइंग SEO कंटेंट राइटर, हम लोगों की सर्विसेज में सबसे मेन चीज़ जो आ जाती है वो तो होती है कि हमने ऑप्टिमाइज कंटेंट प्रोवाइड करना होता है। ऑप्टिमाइज कंटेंट में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है हमारे कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड डेंसिटी, कि जो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है उसे, क्योंकि वो क्लाइंट चाह रहा होता है कि जो जब वो एक SEO कंटेंट राइटर को हायर कर रहा है तो जो कंटेंट उसे मिले वो 100% ऑथेंटिक हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कीवर्ड स्टफिंग देखना होती है, देन उसकी कंटेंट का यूनिक होना बहुत ज़रूरी है, उसमें प्लेजरिज्म ना हो, वो कॉपीड कंटेंट ना हो। उसके बाद उसमें जो हम ग्रामर्स यूज़ करें, पंचुएशन यूज़ करें, उसका ऑथेंटिक होना, उसका एरर फ्री होना बहुत ज़रूरी है। यही सब चीज़ें मिलके जो हैं वो हमारे कंटेंट को SEO कंटेंट बनाती हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स के साथ अगर हम लिंक करें ये कंटेंट राइटिंग को और SEO को, तो इसको लिंक करके क्या कॉम्बिनेशन बनता है और ई कॉमर्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सर, अगर हम कंटेंट राइटर को राइटिंग को ई कॉमर्स के साथ रिलेट करें तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो आ जाती है वो आती है एफिलिएट कंटेंट, जो कि हम अपने डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है। क्योंकि अब वो दौर है कि हम लोग जो है वो फिज़िकली अपने क्लाइंट के सामने नहीं है, अपने कस्टमर के सामने नहीं है, हमने जो उसको जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने कंटेंट के बारे में बताना है वो वर्बली होगा, वो पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि अच्छा हमारे पास ये चीज़ है और इसके ये फीचर्स हैं। तो हम SEO कंटेंट राइटिंग को जब ई कॉमर्स में लेके जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है फिर उसमें मैटर करती है, क्योंकि हम लोगों का अगर हम अपने कंपेटिटर्स को कॉपी कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, तो कॉपी करने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे कंपेटिटर्स ने लिखा है हम उसको एज इट इज़ अपने कंटेंट में ऐड करते हैं, तो वो यूनिक तो ना हुआ, वो SEO तो ना हुआ। इसलिए मेन चीज़ है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स में इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है अगर आपका कंटेंट यूनिक है और उसमें प्रॉपर जो है वो आपकी अगेन कीवर्ड स्टफिंग हुई हुई है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आर्टिकल राइटिंग में और ब्लॉगिंग, इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल राइटिंग जो है वो एक मेन जो इनका डिफरेंस है वो है वर्ड काउंट का। जो आर्टिकल राइटिंग होती है उसमें आर्टिकल की मिनिमम लिमिट जो है वो 600 वर्ड से स्टार्ट होती है, आगे सो ऑन। लेकिन जो ब्लॉग होता है उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट वर्ड काउंट की 600 वर्ड्स तक होती है। फिर ब्लॉग में आप अपना ओपिनियन आप जो है वो उसको शेयर कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दिस दिस दिस, बट इन आर्टिकल ये चीज़ नहीं होती। आर्टिकल में आपने अपना ओपिनियन नहीं बताना होता, आर्टिकल में वैसे भी ब्लॉग की निस्बत रिसर्च वर्क ज़्यादा होता है, तो ये मेन डिफरेंट है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से ये काम कर रही हैं और इसका क्या स्कोप है, क्या आने वाले दौर में मज़ीद कंटेंट राइटर्स की या जो SEO पे काम कर सकें, कीवर्ड स्टफिंग कर सकें, ऐसे लोगों की ई कॉमर्स में ज़रूरत है? मुझे बेसिकली टाइम हो गए 2-3 साल हो गए एज ए आर्टिकल राइटर काम करते हुए।
लेकिन अगर आप अमेज़ॉन की या डिफरेंट दूसरे प्लेटफॉर्म्स की ई कॉमर्स की बात करें तो उसमें अभी मुझे मैक्सिमम 5 to 6 मंथ्स हुए हैं, क्योंकि उनको मैं अभी कुछ अर्सा पहले ही एफिलिएट कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इन फ्यूचर इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, क्योंकि जैसे जैसे अब आगे वक्त गुजर रहा है ऑनलाइन अर्निंग की तरफ ई कॉमर्स की फील्ड जो है वो बहुत वास्ट हो रही है। पहले लोगों को इतना इसके बारे में नहीं आइडिया था, लोग फेमिलियर नहीं थे इससे, लेकिन अब तो हर बंदा जो है वो ई कॉमर्स को, ई स्टोर को जो है वो अप्रोच कर रहा है। तो उसके लिए मेन चीज़ जो सबसे पहले आती है प्रोडक्ट के बाद आती है उसका कॉन्टेंट। कंटेंट वर्थफुल होगा तभी वो अपीलिंग होगा उसके क्लाइंट्स के लिए, उसके कस्टमर्स के लिए। मैम एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है एफिलिएटेड कंटेंट राइटिंग, उसमें और ब्लॉग्स राइटिंग में क्या फ़र्क है? एफिलिएट कंटेंट राइटिंग जो होती है वो बेसिकली होती है प्रोडक्ट्स के लिए, ई कॉमर्स स्टोर्स जो हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए। उसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है, प्रोडक्ट की डिफरेंट डिटेल्स, उसके फीचर्स, उसके कितने मॉडल हैं, क्या A to Z उसमें आ जाता है एफिलिएट कंटेंट राइटिंग में। लेकिन ब्लॉग में जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लॉग जो है वो एक आप अपना ओपिनियन शो करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शो करने के लिए भी ब्लॉग लिखते हैं कुछ लोग। तो ब्लॉग में हम जो है वो प्रमोशन बेसिकली नहीं कर सकते अपनी प्रोडक्ट्स, लेकिन एफिलिएट में हम बेसिकली मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं। मैम आपकी इस वक्त मंथली अर्निंग वो कितनी है? मेरी इस वक्त मिनिमम अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 है, और मैक्सिमम इट डिपेंड्स कि आपको अगर डायरेक्ट क्लाइंट मिलता है तो वो 1 लाख से ऊपर भी जा रही है। मैम इनेबलर्स को जो लोग ज्वाइन करते हैं ज़्यादातर उनमें से या वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे अपनी सर्विसेज देते हैं या प्राइवेट लेबल या होलसेल बिजनेस में चले जाते हैं, तो कंटेंट राइटिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और आपने कैसे सोचा कि इस डोमेन में आके आपने काम करना है? कंटेंट राइटिंग की तरफ ऐसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि 2017 में मैं अपने एमफिल में थी, सेकेंड ईयर में, तो मेरी शादी हो गई थी। तो उस वक्त मैं एज ए टीचर जॉब कर रही थी एक प्राइवेट स्कूल में, बट ड्यू टू सम रीज़न्स मैं उस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकी तो मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने डिफरेंट जगह पे अप्लाई किया, डिफरेंट स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, बट ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो इन शॉर्ट ये क्योंकि मेरी अपनी क्वालिफिकेशन एमफिल है तो मुझे रिसर्च का बहुत ज़्यादा जो है एक शौक है। तो मेन उस वक्त मैंने ऑनलाइन वीडियोस बहुत देखना शुरू किए, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो मैंने उस फील्ड को, क्योंकि वो भी उस वक्त एज ए कंटेंट राइटिंग राइटर ही काम कर रही थी, तो मैंने उस चीज़ को जो है वो रिसर्च करना शुरू किया कि क्या फील्ड है, किस तरह काम करना है। तो उसमें फिर मुझे जो है मेरा इंटरेस्ट जो है वो आर्टिकल राइटिंग की तरफ गया, मुझे समझ आई कि अच्छा ये भी कोई काम है। तो उसके लिए मैंने इनेबलर्स की EVS असेस ली, उसके बाद फिर मैंने अपना एज ए प्रोफेशनल कैरियर जो इसको होता है वो स्टार्ट किया एज ए आर्टिकल राइटर। मैम SEO की अगर हम बात करें तो इसको जब हम बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो इसमें हम प्रायोरिटी पे किन चीज़ों को रखते हैं? SEO कोई भी कंटेंट SEO करते वक्त मेन चीज़ जो होती है वो होती है उसकी कीवर्ड स्टफिंग। आपका कीवर्ड आपने कितनी बार यूज़ करना है, उसकी क्या डेंसिटी परसेंटेज क्या होगी, इस चीज़ को बहुत आपने जो है वो ख्याल में रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो प्लेजराइज ना हो, वो बिल्कुल जो है वो यूनिक हो, और उसके बाद उसमें कोई भी एरर ना हो। क्योंकि मेन यही 3-4 चीज़ें हैं जो उसको किसी भी कॉन्टेंट को रैंक या डी रैंक कर सकती हैं। मैम एक अगर आर्टिकल या ब्लॉग है उसके अंदर कीवर्ड्स की तादाद कितनी होती है? अगर एक वर्ड है फॉर एग्जांपल कोई भी कैट वर्ड है, अगर ये कीवर्ड है तो इसको कितनी दफ़ा यूज़ किया जाए तो उसकी डेंसिटी ठीक रहती है या एक वो जिसे कह लें ऑप्टिमाइज्ड वॉल्यूम तक पहुंचती है? देखिए ये मेन चीज़ होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि कीवर्ड अगर कैट है तो आपने उसको 600 वर्ड में 3 to 4 टाइम यूज़ करना है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि हम जहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट भी है या नहीं, वो इंटरलिंक कर रहा है उसके साथ या नहीं। तो मेन यही मैं ये करती हूँ कि 600 वर्ड्स का अगर कंटेंट है तो उसमें 3 to 4 टाइम्स उस चीज़ को यूज़ करूँ, ये देखते हुए कि कहाँ पे वो वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा, सीखने का माहौल उनका कैसा था और क्या सीखा आपने वहाँ से? इनेबलर्स का बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट था और लिटरली उन्होंने जो कहते हैं स्पून फीडिंग, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं था इस फील्ड का, उन्होंने जस्ट इनरोल करवाया था और उनको बिल्कुल नहीं था पता, तो उनको लिटरली वो स्पून फीडिंग करती थी, तो वो उनका बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। और इसके अलावा इनेबलर्स की जो अब नेक्स्ट वो जो स्टेप्स ले रहा है, जिस तरह अभी उन्होंने EVS की 3 volume उनका लॉन्च हुआ है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा लोग उससे जो है वो इनेबल हो रहे हैं। मैम जो लोग जिनकी बैकग्राउंड है रिसर्च की या थीसिस लिखने की, आर्टिकल्स लिखने की, जैसा आपका भी इंटरेस्ट था आपने भी बताया, तो जो लोगों की ये बैकग्राउंड नहीं है क्या वो भी कॉन्टेंट राइटिंग की तरफ आ सकते हैं या उनके लिए मुश्किल हो जाएगी? नहीं बिल्कुल आ सकते हैं, इट डिपेंड्स कि बस आपको जिस काम में भी आप इनरोल करवा रहे हो, जो भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करें।
क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करें, उसको पहले थोड़ा सा देखें कि उसमें किस तरह काम करना है और आगे उसका क्या स्कोप है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को उसके जो अकॉर्डिंगली जो उसका वो कोर्स है उसमें इनरोल करवाएं। और बाकी फिर ये है कि आपके मेंटोर्स तो हैं ही आपको गाइड करने के लिए, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनके विज़न को, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है और मैं लिटरली अगर मैंने इनेबलर्स ज्वाइन किया है तो उन्हीं की वजह से किया है, क्योंकि वो बहुत अच्छा उनका एक इनिशिएटिव है ये, स्पेशली यूथ को लेके। और फिर जिस हालात में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, कोविड आया और सारा कुछ, तो यूथ पहले ये होता था कि अगर आपको आप फ्री हो तो आपके पास कुछ करने को एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अब यूथ जो है वो अपने फ्री टाइम को ऐसे वेस्ट करने की बजाय वो कहते हैं कि हम कोई स्किल सीखें, हम उसको जो है वो यूटिलाइज करें अपने फ्री टाइम को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैम, जो लोग कंटेंट राइटिंग की तरफ आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे इस वक्त जिनके स्किल्स भी हैं जिनके पास, वो इनेबलर्स को ज्वाइन करें, वो डायरेक्टली ये काम किस तरह करें या फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, क्या करें? इनेबलर्स को ज्वाइन करने के लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि वो EVS लें, असेस लें इनेबलर्स की वीडियो सीरीज की, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको थोड़ा बहुत नो हाउ हो जाएगा। अच्छा, EVS में कंटेंट राइटिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन मौजूद है? जी, कंप्लीट कोर्स मौजूद है, तो उसमें आपने जिस भी फील्ड में जाना है आप उसका कोर्स लें, क्योंकि हर फील्ड का कोर्स मौजूद है, ताकि आपको थोड़ी बहुत नो हाउ हो कि आपने क्या करना है, उसके बाद फिर उससे रेलिवेंट जो कोर्स है उसमें आप इनरोल करवाएं, तो वो इंशाल्लाह वो फिर हेल्पफुल होगा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नायाब आमिर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और आपको एक मोटिवेशन मिली होगी कि आप भी ई कॉमर्स में आके अपना काम कर सकते हैं, और कंटेंट राइटिंग की डोमेन में एक बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है, यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपने काम को कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।